ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਨ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਸਰ ਕੰਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਲਕਾ ਇੰਦਰਵਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇ ਮੈਂ ਆਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਵਾਮਾ ਮੇਂ 14 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਇਸਮੇਂ ਹਮਾਰੇ 40 ਸੇ 45 ਜਵਾਨ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਔਰ ਉਸਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੁਆ ਜਿਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਉਨਕਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸਮੇਂ ਯਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਅਗਰ ਪਾਲਤੀ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸਕੇ ਅਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਉਸ ਛੁਪਾਈ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਕੋ ਛੁਪਾ ਕਰ ਕਈ ਕਿਤਨੇ ਝੂਠ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੌ ਝੂਠ ਬਣਾ ਕਰ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਕੋ ਛੁਪਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਇਸਨੇ ਹਮਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨੇ अगर जो हमला हुआ कहते हैं पाकिस्तान में हुआ हमला बीजेपी वाले कहते हैं 300 से 350 मिलिटेंट हमने लुस्त कर दिए अगर यहाँ हिंदुस्तान से कोई शख्स भी पूछे बीजेपी वालों को कि जो दुस्त किए उसका कोई हमें निशान दो कोई सबूत दो अगर कोई निशान कहे मांगे या सबूत मांगे तो बीजेपी से पहले हिंदुस्तान का मीडिया ही हम पर बरस जाता है और असली खबरें जो हैं उनको मीडिया जो है वो छुपा देता है और बीजेपी की तारीफों में मीडिया जो है वो शुरू हो जाता है हिंदुस्तान के मीडिया को ये नहीं पता है कि अबे डांडिया क्या खबरें दे रहा है कि अबे डांडिया कह रहा है कि बीजेपी ने 14 तारीख से पहले एक प्लानिंग बनाई थी जिसमें एक लेडी से बात हुई जिसमें राजनाथ सिंह की बात है और वो कह रहा है कि मैं सबूत देता हूँ कि 14 तारीख से पहले बीजेपी ने ये हमला करवा के हमारे देश के जवान शहीद करवाए अगर मीडिया ने वो बात क्यों नहीं पकड़ी अबे डांडिया की अबे डांडिया को कोर्ट कटहरे में खड़ा करना था अबे डांडिया को कहना था कि सबूत करके दे अगर वो सबूत करके देता तो बीजेपी वालों से सवाल पूछने थे कि किस तरह तुम हमारे देश की सेना को हमारे नौजवानों को तुम शहीद कर रहे अगर नहीं चाहते अबे डांडिया को जेल डाल देना चाहिए था इसी तरह और भी कई कितने नेता जिसमें शिवसेना के भी हैं कुछ साधु संत देवराज महाराज भी हैं जितने भी सवाल उठाए उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और मीडिया हमले करवा रहा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें सच्चाई है पुलवामा मसले में अगर सच्चाई है तो मीडिया क्यों छुपा रहा है अगर बीजेपी की जहाँ जलसे हों जहाँ रैलियाँ हों मीडिया उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है बीजेपी वालों ने तो एक तरह से शहीद हुए जवान दूसरी तरफ से बीजेपी वालों ने साथ में अपने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी किसी और पार्टी ने नहीं की बीजेपी ने कर दी जवानों के शहादत के पोस्टर जो हैं वो पीठ के पीछे लगाकर 45 जवानों के पोस्टर लगाकर मोदी जी और अमित शाह जी जलसे कर रहे हैं हमारे देश के सेना के सिपाहियों को मोदी बेच रहा है अमित शाह बेच रहा है मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसा हम नहीं चलने देंगे ये जो देश के जवान हैं ये कोई मोदी के नहीं है ये अमित शाह के नहीं है ये योगी के नहीं है ये इन हिजड़ों के नहीं है ये हमारे लोगों के हैं जवान इसमें देश में 20% से ज्यादा मुसलमान सिपाही हैं 15 से 20% इसमें सिख हैं 10 से 15% इसमें शेड्यूल कास्ट हैं और अदर्स पार्टियों के हैं वगैरह वगैरह सब देश के ये हमारे जवान हैं हम इन जवानों के साथ खड़े हैं अगर पुलवामा हमले में फौज ने जो भी कुछ किया पार घुस किया नहीं किया हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं लेकिन फौज बयान देना फौज के बयान को हम कंडक्ट करेंगे या कुछ कहेंगे तो फिर कहना हम देशद्रोही हैं ये मोदी और ये मोदी की सरकार ये झूठे दावे कर रहे हैं अगर इनमें दम है तो ये देश को बताएं जिसका हमला हुआ हमारे दो जहाज जो थे वो क्रैश हो गए दुनिया सारी को पता है पार अगर हुआ तो यहाँ देश को गुमराह करने के लिए 350 दुष्ट कर दिए क्या दुष्ट किए उधर से विदेशी मीडिया बोल रहा है एक कौवा मरा है और कायलों के वो डाले हैं वो टूटे हैं उधर अगर ये हैं तो ये देश को बताएं ना कौन सा दुष्ट किया तो देश यकीन करे नहीं तो मोदी
बीजेपी वाले मोदी वाले हार जाएं, हमारी सेना को डिस्टर्ब ना करें, हमारी सेना को जो भी कार्रवाई दुरुस्त लगे वो करे, हम अपनी सेना के शाना बशाना साथ हैं। बाकी मैं आम हिंदुस्तान की, अपने देश की आवाम से कहना चाहता हूँ कि मीडिया मोदी मीडिया है, मीडिया मोदी का पिट्ठू बन चुका है, इस मीडिया की बातों पर ध्यान ना दें और सोशल मीडिया पर ध्यान दें, जो सोशल मीडिया है जिसमें बाहर के मुल्कों का मीडिया भी है, बीबीसी लंदन भी है, यहाँ सोशल मीडिया, उस पर ध्यान दें। ये बकाऊ मीडिया है, ये मोदी का पिट्ठू है, इस पर किसी तरह की ध्यान ना दें। ऐसा ना हो कि ये मीडिया इस देश में कोई क्रैश करवा दे या कहीं कोई भी फसाद करवा सकता है ये मीडिया, और वो दिन दूर नहीं है, इस मीडिया को भी आने वाले दिनों में कटेरे में खड़ा होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।